Please subscribe everything. हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ताह हुसैन शाह और आप देख रहे हैं एवरीथिंग। तो भाई आज मैंने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें यह है कि पोटाशियम का कलर हमेशा पिंक होता है, तो उस पिंक कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन, और ग्रीन के बाद फिर मैं उसे करूँगा येलो। तो वो देखते हैं कि कैसा होता है और किस तरीके से होता है और उनमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, तो भाई वो आज हम करके देख लेते हैं। छोटे पैमाने पे मैंने किया था, थोड़ा सा बड़े पैमाने पे आज मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और देखिए कितना अमेजिंग लगता है वो। तो भाई मेरे पास है सबसे पहले पानी, और ये रहा पानी का गिलास, और मैं पानी ले लेता हूँ, ये बिल्कुल सादा पानी है। थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, उसके बाद मैं इसमें ज़रा सा पोटाशियम डालूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना कि बस इसका कलर आ जाए और बाकी कुछ चीज़ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल ज़र्रे बराबर। फिर मैंने इसमें पोटाशियम डाला, डालने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इतना सा है वो, इतनी सी मिकदार के अंदर भी उसने इसको एकदम पिंक कलर दे दिया। तो भैया अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ कास्टिक। जैसे ही इसमें कास्टिक डलेगा तो फिर आप देखिएगा, पहले ही हो जाएगा जामनी। ये मेरे पास है कास्टिक, और जब ये जामनी होगा उसके बाद इसको फिर और हल करेंगे, फिर उसके बाद ये ग्रीन की तरफ आने लगेगा। ये देखें दोस्तों, मैंने इसमें डाल दिया कास्टिक, तो ये पहले जामनी हुआ, जामनी होने के बाद ये ग्रीन की तरफ आ गया, और अब ये आपके सामने हल्का 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 करके पिंक कलर हो गया हमारा ग्रीन कलर, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है। पहले एकदम से पिंक पिंक था और अब ग्रीन ग्रीन हो गया। अब इसको येलो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, मेरे पास है यहाँ पे सोडियम मेटावाइट सल्फाइड, ये नमक की तरह होता है। अब इसको हम इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं भाई कैसे क्या रिएक्शन होते हैं। ये मैंने डाला एक चमचा, थोड़ा सा और ले लेता हूँ बस। तो ये अब हमारा जो है कलर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, तो डायरेक्ट ही वाइट हो गया, मुझे उम्मीद थी कि ये पीला पीला हो जाएगा कुछ, मगर उसने जो है उसे एकदम न्यूट्रल कर दिया। ये देखें भाई, हल्का हल्का सा क्रीम क्रीम कलर का हो गया। अगर मैं ये थोड़ा सा कम डालता तो फिर ये ज़रा सा जो है आपका येलो येलो हो जाता। इसको मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा पोटाशियम और डालता हूँ, फिर देखते हैं हमारा येलो कलर बनता है कि नहीं बनता। ज़रा सी मिकदार में और पोटाशियम ले लिया मैंने, फिर दोबारा डाल दिया इसके अंदर, ये फिर हरा हो गया। और अब ये आप देखेंगे ग्रीन कलर से ये कुछ कुछ जो है येलो की तरफ जा रहा है, और ये पीला होना शुरू हो गया है। तो ये देखें दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अगर ये मेरे ख्याल से ऐसे ही पड़ा रहेगा तो हो जाएगा ये पीला। तो दोस्तों ये कुछ कुछ जो है पीले की तरफ हो गया है हल्का हल्का सा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पोटाशियम का भी जो है इस तरह से पहले ग्रीन हो जाए और फिर उसके बाद येलो हो जाए, मगर मैंने उसमें मुख्तलिफ केमिकल अप्लाई किए, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको ट्राई किया, तो आखिरकार वो ऐसा हो ही गया। पहले वो पिंक हुआ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वो ग्रीन हुआ, ग्रीन होने के बाद वो येलो हो गया। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई धमाका, कोई आग, कोई फायर, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ ये कलर चेंज रिएक्शन था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, तो मैंने आपको दिखा दिया। कास्टिक के साथ मैंने इसमें पोटाशियम मिलाया, फिर आखिर में इसमें सोडियम डाल दिया, तो हमारा कलर चेंज रिएक्शन हो गया। ये लग तो शरबत रहा है, मगर ये शरबत की तरह नहीं है, ना इसको कोई पी सकता है, अगर पी ले तो मेरे ख्याल से वो मर जाएगा। तो बहरहाल सिर्फ आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दें,
मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।